यस, एक मैं आपको और चीज बताती हूँ, बिफोर बिटवीन आफ्टर बिफोर बिटवीन है ना, पहले वाला नंबर बीच वाला नंबर, और बिफोर का क्या मतलब होता है, पहले, बी एफ ओ आर ई, बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, व्यू हरकत, बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर, ए एफ टी ई आर, आफ्टर का मतलब होता, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिटवीन, बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एंड, बिटवीन मतलब बीच में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, और बिटवीन मतलब बीच में। अब मैंने एक नंबर लिखा है 39, मैंने बोला इसका बिफोर नंबर लिखो, यानी कि पहले वाला नंबर लिखो। 38 से पहले क्या नंबर आता है? 38। 39 से पहले क्या नंबर आता है? 38। इसी तरीके से एक और नंबर है 46, बिफोर, बिफोर वाला नंबर फाइंड आउट करना है। 46 से पहले क्या आता है? 45। क्या नंबर आता है? 45। यदि आपको और दूसरी चीज एक और ध्यान रखने की है कि यदि कोई नंबर से इधर आपकी लाइन लिखी हुई, मतलब पहले वाला नंबर लिखना है, और यदि नंबर के बाद लाइन लगी हुई है तो वो बाद वाला नंबर लिखना है। अंडरस्टूड? अब मैंने आपको कह दिया कि आफ्टर वाला नंबर लिखना है। सपोज द नंबर इज 50, 50 के आफ्टर वाला यानी बाद वाला नंबर लिखना है। 50 के बाद क्या आता है? 51। एक और एग्जांपल 63, 63 के बाद क्या नंबर आता है? 64। यस, वेरी गुड, 64। ओके, अब हमने बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, यदि कोई मैंने नंबर लिखा हुआ है 38 के बाद क्या नंबर आता है, 40 से पहले क्या नंबर आता है? 38 के बाद आता है 39। 38 के बाद क्या नंबर आता है? 39। तो ये होता है बिटवीन, दो नंबर के बीच वाला नंबर। क्लियर? अब ये मैं आपको करने के लिए और दूंगी, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, और बिटवीन मतलब बीच में, दो नंबर के बीच वाला नंबर। ये जब तक आपको काउंटिंग नहीं आएगी तब तक आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं नहीं भी कह रही हूँ तो क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को 1 से लेकर 500 तक काउंटिंग आपको रफ कॉपी में लिखनी है, और साथ में याद भी करनी है, और नंबर रीड करना है। जो नंबर पढ़ने का मैंने तरीका है वो नंबर रीड भी करना है। 1 to 500 काउंटिंग आप लोगों को लिख के लर्न करनी है। अंडरस्टूड? इतना आप लोगों को समझ में आया है? अब मैं आपको एडिशन कराती हूँ। लेट्स डू एडिशन, आज हम करेंगे एडिशन। एडिशन का क्या मतलब होता है? जोड़ना, ऐड करना। एडिशन का साइन क्या होता है? ये प्लस। क्या बनाते हैं हम? ऐसे प्लस बनाते हैं, मतलब ये होता है एडिशन, ठीक है? प्लस, प्लस का मतलब होता है एडिशन। अब हम एडिशन, आपको आपकी मम्मी या पहले आपकी मैम ने कैसे सिखाया होगा, या तो आपके ऐसे ऐसे लाइंस बनाते थे है ना, और फिर उनको काउंट करते थे, ऐसे करते थे ना, या फिर ऐसे ऐसे लड्डू बनाते थे फिर उनको काउंट करते थे, ठीक है? लेकिन हम आज ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको एक नए तरीके से एडिशन सिखाऊंगी जो कैसे करना है। अब देखिए, ये ऊपर क्या नंबर है? 5। ऊपर क्या नंबर है? 5। नीचे क्या नंबर है? 3। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाला जो नंबर है 5, कीप इन योर माइंड, 5 नंबर को आप अपने माइंड में रखेंगे, और नीचे कितना नंबर है? 3, एंड 3 फिंगर आउट, 5 कीप इन योर माइंड एंड 3 फिंगर आउट। 5 ऊपर वाले नंबर को हम अपने माइंड में रखेंगे, और नीचे जो नंबर है उतनी फिंगर हम आउट करेंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद ये 3 फिंगर हमारी जो है, हम 5 के बाद से काउंटिंग चलेंगे, 6 7 8, दिस इज द आंसर, लाइक दिस। 7 कीप यू इन योर माइंड एंड 8 फिंगर आउट। 7 ऊपर वाला नंबर है, कीप इन योर माइंड, एंड नीचे वाला नंबर 8 फिंगर आउट। 5 6
14, 15. The number is 15. अब देखिए 4 plus 3. 4 keep in your mind, 3 finger out. 4 keep in your mind, 3 finger out. 4 के बाद से counting start. 5, 6, 7. 7 is the answer. पहले क्या करते थे? ऐसे 4 lines कीजिए, फिर 3 lines कीजते थे, फिर उनको count करते थे. हमें अब ऐसे नहीं करना है. हमें क्या करना है? 4 keep in your mind, 3 finger out. 4 के बाद से counting चालू करो. 5, 6, 7. उसके बाद है 8 plus 7. करो. 8 keep in your mind, 7 finger out. 7 finger out करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब counting start किसके बाद से करेंगे? 8 के बाद से.